मैंने तो देखा एल्बम गिर रहा था पानी में ऐसे से। अरे तू काका, अरे घर वालों में से किसी ने देखा क्या गट्टू काका? क्या मालूम वो एल्बम पानी में गिर रहा था कि नहीं, वो लीला भाभी ने या बा ने देखा है कि नहीं ना, मैं पूछ के आता हूँ। अगर फिर तो सबको पता चल जाएगा। हाँ तो सबको बताना तो पड़ेगा ही ना सलोनी। तुझे किसी ने पूछा? तू गट्टू काका को डांट खिलवाना चाहती है? लकी, तू मुझको डांट खिलवाना चाहती है? नहीं गट्टू काका, पर अगर आप सच बात बता देंगे और ये बात छुपाएंगे नहीं तो कोई आपको नहीं डांटेगा। सच बता दूंगा तो कोई नहीं डांटेगा? क्या कोई नहीं डांटेगा? वही तो, आप दादी माँ लीला बाबू सबको जानते है ना? हाँ, लेकिन ये नहीं जानती है ना, इसलिए ऐसा बोल रही है। तो फिर इससे अच्छा है कि हम ये बात किसी को ना बताएं। जब एल्बम ढूंढेंगे और कोई हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे हमें नहीं मालूम। पर ये तो गलत है। किसने कहा गलत है? मेरी मम्मी ने। तेरी मम्मी मतलब गुड़िया ना, वो तेरी मौसी है फिर भी तो उसको मम्मी बोलते है ना। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तूने जो आइडिया दिया ना वो एकदम बेकार है। मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगा बाबा। लेकिन और तू भी किसी को ये बात नहीं बताएगी, समझी लकी? वरना तू लकी से अनलकी हो जाएगी। तेरी भी चुप, मेरी भी चुप। चेताली, ऐसा नहीं चलता है। सिर्फ तुम दोनों की चुप नहीं हो सकती, इसकी भी चुप, 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 मतलब मेरे भी चुप। चलो बाबा, मेरा वीडियो गेम। थोड़ी छोटी काटना हाँ गुड़िया, देख इतने। मुझे क्या छोटा क्या बड़ा, पेट में तो सब एक ही होने वाला है। तुझे कहा जाए इतना कर, जबान मत चला। ये तो अपना काम करना, इनको तो आदत है। अरे ये तो भिंडी बाएं से काट रही है शिल्पा, बाएं हाथ से काटी हुई सब्जी कोई घर में नहीं खाएगा। मैंने तो ऐसे कभी नहीं सुना नरसी काका। नहीं सुना है क्योंकि तुम सब सब्जी दाहिने हाथ से काटती हो। क्यों? लीला भाभी दोनों हाथ से काम करती है ना? करती है, मगर बाएं हाथ से सब्जी नहीं काटती लीला। तो अब मैं क्या करूँ जी? सवाल मत कर, दाहिने हाथ से सब्जी काट। फिर तो मैं सब्जी नहीं काट सकती जी। क्यों गुड़िया, तुम सब्जी क्यों नहीं काट सकती? अरे हेमल भाई, आप चलती ट्रेन में चढ़ रहे हैं? जनरल डब्बे में या रिजर्वेशन में? गुड़िया चुप रहो गुड़िया। मजाक भी नहीं कर सकती? नहीं। अरे हेमल भाई, आप गुस्सा क्यों आ रहे हो? गुड़िया इससे सब्जी नहीं काट सकती क्योंकि वो लेफ्टी है, और नरसी काका कह रहे हैं कि वो राइट हैंड से काटे। और अगर मैंने दाएं हाथ से सब्जी काटना शुरू की ना तो कल के लंच में ये सब्जी तैयार होगी, चलेगा? तुम सब्जी की बात छोड़ो, तुम बा के सामने क्यों बोली? नहीं जी, मैं बा के सामने नहीं, साइड में खड़ी होकर बोल रही थी। सामने मतलब जब बा ने तुम्हें कुछ कहा तो उनके सामने तुमने सवाल किया? तो फिर ऐसे क्लियर करके बोली ना हेमल। जब हमारी शादी तय हुई तब मैंने तुमसे क्लियरली कहा था कि इस घर में बा जो डिसीजन लेती है वो डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है, कहा था कि नहीं? हाँ। फिर भी तुमने बा के सामने सवाल किया? जी मैंने बा के फाइनल डिसीजन पर सवाल नहीं किया था जी, मैंने बा से ये नहीं पूछा कि बा क्या ये आपका फाइनल डिसीजन है। मैंने बा से ऐसे पूछा कि बा एक बार आप फाइनल डिसीजन ले लेते हो तो क्या उसके बाद हम कुछ भी नहीं पूछ सकते? और ये मैंने क्यों पूछा? ताकि हमारे बीच में दो चार बात हो, हम एक दूसरे को जान पाए, इसलिए पूछा। फाइनल डिसीजन का मतलब समझती हो तुम? बा ने एक बार फाइनल डिसीजन ले लिया और उसके बाद तुम एक भी सवाल करती हो, इसका मतलब यही होता है कि बा का डिसीजन गलत है। और बा कभी गलत नहीं होती, ये भी मैंने तुमसे कहा था ना? कहा था कि नहीं? हाँ कहा था जी। फिर भी तुम? जी ठीक है ना, धीरे धीरे सीख जाऊंगी घर के तौर। धीरे धीरे नहीं। अच्छा ये तो आपकी ज्यादती है अमल।
पर जाई जी आप ही मुझे बताइए, बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा अपने बाएं हाथ से काम किया है, अब अचानक कोई मुझसे कहेगा कि दाएं हाथ से काम करना शुरू कर दो तो उसके लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। उसी तरह बचपन से लेकर आज तक मैं अपने घर में पली बड़ी हूँ, तो अब इस नए घर के तौर तरीके सीखने में मुझे थोड़ा वक्त तो चाहिए ना। पर जाई जी क्या मैं झूठ कह रही हूँ? मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ गुड़िया, आई अंडरस्टैंड। जब लड़की ससुराल जाती है तो उसके मन में कई सवाल आते हैं कि इस घर में बड़ों के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, इन्हें क्या पसंद है क्या नापसंद है। लेकिन मेरी बात मानो तो शुरू शुरू में इन सवालों के जवाब खुद ढूंढो, किसी से सवाल मत करो, बाद में सामने बोल सकती है ना। मंगू मौसी आप क्या लेने आई हैं? मसूर की दाल। नरसी काका नहीं नहीं वो नहीं, वहां से तीसरा डब्बा, कल ही लीला ने बदली किए हैं। शिल्पा तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मंगू मौसी आप जो लेने आई है ना वो लेके जाइए, हमारे घर के मामले में प्लीज इंटरफेयर मत कीजिए। हिमल देखना शिल्पा क्या कह रही है। मंगू मौसी शिल्पा भाभी सही कह रही है, आपको हमारे घर के मामले में नहीं बोलना चाहिए। अरे क्या मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ तुम ये कहना चाहते हो? अरे बेटा जिस तरह मैंने अपनी चप्पल के लिए जगह बना ली है ना, उसी तरह इस परिवार वालों के दिल में भी जगह बना ली है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने और डिंपल के शादी वाले फोटोज देख लो, हर फोटो में मैं इस परिवार के एक सदस्य की तरह काम करते हुए नजर आऊंगी, जा देख लो एल्बम। गट्टू काका लकी मैं तुझको वीडियो गेम या कोई भी गेम देने नहीं वाला हूँ, समझी ना। अरे मुझे गेम नहीं चाहिए। नहीं चाहिए ना गेम, ठीक है चलेगा। तो फिर कुएं में एल्बम गिरा वो गलत हुआ ना? कितना मस्त भूल गया था मैं, तूने फिर से याद दिलाया। आपने एल्बम जानबूझ के तो नहीं गिराया था ना पानी में? तू थी ना वहाँ पे, तो क्यों पूछ रही है? चल पाछो हट अभी। आप ये बात छुपा क्यों रहे हैं गट्टू काका? अरे तुझको ना कुछ मालूम नहीं पड़ता है, मुझको डर लगता है बाबा, ऐसे मोटा भाई से लीला भाभी से सब लोग डांटेंगे मुझको। गट्टू काका आपको मन का डर भगाना है? मन का नहीं, मुझको मेरा डर भगाने का है स्टूपिड। हाँ कोई तो आप ये बात जाकर किसी को बता दीजिए, आपके मन का डर अपने आप भाग जाएगा। सच्ची? हाँ। लकी वो शादी का एल्बम था ना ऐसा ऐसा फोटो वाला, वो कुएं में गिर गया है मुझसे। बता दिया तुझको। भाग गया डर, भाग गया मेरा। चल नहीं गट्टू काका मुझे नहीं, घर में किसी बड़े बुजुर्ग को बताइए। बड़े बुजुर्ग मतलब बा को? हाँ। बेबी चुपचाप बैठ जा। लकी बा के बदले में मैं किसी और बड़े बुजुर्ग को भी बता सकता हूँ ना? हाँ ठीक है, तो लीला भाभी भी बड़ी बुजुर्ग है ना, तो मैं उनको बताऊंगा, तो फिर वो बा को बताएंगे ना तो उनको ही डांट पड़ेगी। हाँ मुझको नहीं पड़ेगी डांट, तो मेरा डर भी भाग जाएगा। मस्त आइडिया है, तू तो अच्छी निकली लकी। ये ले वीडियो गेम खेल। पापा पापा वेलकम गॉड। ओहो मीनाक्षी थेपले ठंडे होने के बाद पैक करने कहा था ना मैंने? भाभी मैंने सोचा कि थेपले डब्बे में रखने की शुरुआत कर ही देती हूँ, तब तक थेपले ठंडे हो ही जाएंगे। वाह कॉन्फिडेंस हाँ मीनाक्षी, वेरी गुड। वो अपनी UW है ना? हाँ? उर्मिला वागड़े। हाँ? वो डिंपल की शादी की फोटो देख रही थी तो उसे आपकी फोटो बहुत अच्छी लगी, आपकी साड़ी की तो बहुत तारीफ की उसने भाई। मेरी साड़ी की तारीफ तो हर कोई करता है, अरे मेरी फोटो देखकर भी मेरी फ्रेंड्स इतनी
तारीफ कर रही थी। लीला भाभी आपकी फोटो। हाँ गट्टू भाई मेरी फोटो। वो स्नेहा है ना मेरी फ्रेंड, वो कह रही थी अब तो तू हेमा मालिनी बिल्कुल नहीं लगती, उसकी बेटी ईशा देओल लगती है। स्नेहा की बेटी का नाम ईशा देओल है। टेप ले पैक कर। हाँ मीनाक्षी। अच्छा लीला भाभी। हाँ कुछ कहना है आपको? वो तो ऐसा कहिए ना कि थेपला चाहिए। हाँ गट्टू भाई ये लीजिए थेपला। प्रवीण प्रवीण। लीला प्रवीण को देखा? क्या हुआ? अरे मैंने उसे मना किया था लीला कि देवपुर जाने के लिए दो दो गाड़ियां बुक करवाने की जरूरत नहीं है, फिर भी उसने दो दो गाड़ियां बुक करवाई। तुम्हें पता है मैं 1700 रुपए का नुकसान हो गया। डिंपल के पापा इतने सारे लोग जा रहे हैं, कम से कम दो गाड़ियां तो होनी ही चाहिए। अरे पर बा नहीं आ रही है लीला, जरा सोचो बा। और मीनाक्षी और दिशा भी नहीं आ रहे हैं, फिर भी दो दो गाड़ियां। जो लोग नहीं आ रहे हैं उनकी गिनती क्यों करे जा रहे हैं आप? जब से जो लोग आ रहे हैं उनकी गिनती कीजिए ना। हर्षद भाई को छोड़कर आप पांच भाई, मैं, गुड़िया, बेबी बेन, सारे बच्चे, इतने सारे लोग हैं। भाई चलो माना कि दो दो गाड़ियों की जरूरत नहीं है, फिर भी हम सारे लोग दो गाड़ी से जा रहे हैं। लेकिन एसी गाड़ी? बिना एसी वाली गाड़ी में नहीं जा सकते क्या हम सब? तुम्हें पता है लीला एसी गाड़ी की वजह से हमें एग्जैक्टली 1240 रुपए का नुकसान हो रहा है। 1240 और 1700 कुल मिला के 3000 रुपए का नुकसान। माड़ी रे। चुप हा? चुप मीनाक्षी चुप। गर्मी का सीजन चल रहा है मोटा भाई, एसी गाड़ी में नहीं जाएंगे ना तो बहुत गर्मी लगेगी जी। हाँ पर गुड़िया हम लोग क्या 2.5 रुपए वाले अखबार से काम नहीं चला सकते? 2.5 रुपए भी खर्चने की जरूरत नहीं है मोटा भाई, ढेर सारी रद्दी पड़ी है हमारे घर में। सुना लीला तुमने सुना? ये देखो देखो जरा देखो। ओ जी आप क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, एसी गाड़ियां तो बुक हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। हा? हा? ये है मेरी देवरानी। एक मिनट में शांति हो गई घर में। जी आप कासपूस क्यों पैक कर रही? ऊपर जाए जी, हाईवे पर खाएंगे ना किसी ढाबे में। नहीं 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 हम लोग बाहर की चीजें नहीं खाते। बुढ़िया हेमल ने तुझे बताया है ना इसके बारे में? बताया जी, लेकिन वो तो घर में नहीं खाते, बाहर की चीज बाहर तो खा सकते हैं ना। नहीं 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 मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, हम में से कोई भी ढाबे बाबे की चीज नहीं खाएगा। प्रवीण प्रवीण। मोटा भाई बिना हम बाहर खाएंगे ना परजाई जी। मैं सब देख रही हूँ गुड़िया। मैं चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे कुछ बोलूंगी नहीं। तूने मेरे देवता समान मोटा भाई से जबान चलाई और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तू अपनी मर्यादा में रह गुड़िया, वरना मैंने अपना जेठानी का असली स्वरूप दिखा दिया ना। समझ गई ना? क्रेक। इन्हें क्या हुआ? मीनाक्षी है मीनाक्षी। तूने अपनी तैयारी कर ली? नहीं जी। अरे तो खड़ी खड़ी कर क्या रही है, जा अपनी तैयारी कर। लीला भाभी। हाँ। मैं ये कहना चाहता था कि आप बोलिए गट्टू भाई। लीला भाभी वो ऐसा था ना, वो ऐसा ऐसा लाइए 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 चूड़ा दे दूँ, चूड़ा खाना। हाँ ये लीजिए ये लीजिए चूड़ा खाइए। अबे क्या करूं मैं? क्या चूड़ा खाइए? लेकिन मामी डिंपल डिंपल आ गई। ए आई मामी। डिंपल ये क्या हुआ?
कहा था ना मैंने, सबसे पहले एक स्टुपिड सा सवाल पूछेंगे। ऐसे नहीं क्या आके मुझे सहारा दे। डिंपल, स्टुपिड सा सवाल नहीं है ये। ये क्या हुआ? मम्मी जी, छोटा सा फ्रैक्चर हुआ है बस। फ्रैक्चर? कैसे हुआ? कैसे हुआ? कूल डाउन। बताता हूँ, पहले अंदर चले। चलो। क्या तुम लोग भी? ध्यान से। समाज के। दरअसल गलती हमारी डिंपल की है मम्मी जी। हमारी डिंपल को हीरोइन बनने का बहुत शौक है। इसे बर्फ के पहाड़ों पर दौड़कर फोटो खिंचवानी थी। वो सब तो कुछ नहीं हुआ, मगर पैर फिसला और रिजल्ट आपके सामने है। लो बोलो, गलती इनकी है और कह रहे हैं कि हमारी डिंपल की गलती है। मेरी क्या गलती? अरे विदाई के वो क्या क्या वादे किए थे तुम्हारी माँ ने। आपकी बेटी तो हमारी बेटी है, उसे हम हमारी पलकों पे बिठा कर रखेंगे। पलकों पे बिठा के रखेंगे? अरे शादी के 15 दिन में उसका पैर तोड़ दिया, देखा? तो इसमें इनकी गलती कहाँ से आई? लीला, इनकी ही गलती है और सबसे बड़ी गलती तो इनकी माँ की है, जो हमारी डिंपल को वहाँ वो हनीमून के लिए। हाँ, वही, उसके लिए मनाली जैसी जगह पे ले गए थे जहाँ बर्फ ही बर्फ हो। और हमारी डिंपल जब बर्फ पे दौड़ रही थी, तब एक बुजुर्ग होने के नाते इनकी माँ ने उसे बचाया भी नहीं, उसे रोका भी नहीं। कहाँ थी उस वक्त आपकी माँ, बताइए मुझे कहाँ थी? डिंपल के पापा ये दोनों अकेले गए थे हनीमून के लिए। हाँ, हमारी तरह बा को लेकर नहीं गए थे साथ में? बा को भी हनीमून पर लेके गए थे? वो छोड़िए ना, आप अपनी माँ की बात कहिए। माँ तो अमेरिका में। लो बोलो, आपकी बेटी हमारी बेटी है, हमारी बेटी है ऐसा कहने वाली इनकी माँ शादी के 15 ही दिन में अमेरिका चली गई बेटी को छोड़कर। लो नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है, माँ को जाना पड़ा जरूरी, क्योंकि मेरे स्टेप फादर है ना। ये बातें यहाँ करने की जरूरत नहीं है, हमें नहीं सुननी ऐसी बातें इस वक्त। आप पहले ये बताइए कि प्रॉब्लम क्या है आपको? आप क्यों कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहे हैं जब से, क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है लीला कि अगर ये डिंपल को लेकर यहाँ आए हैं तो तुम देवपुर कैसे जाओगी? मैं हूँ ना, मैं देखभाल कर लूंगी डिंपल की। बा, आप? तुम लोग देवपुर जाने के लिए निकलो, मैं यहाँ हूँ ना। और मैं भी तो हूँ यहाँ पे। मतलब आप यहाँ हमारे घर रहोगे, घर जमाई बनकर? नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं तो कह रहा था कि मैं आता जाता रहूंगा यहाँ। हाँ क्या, आप भी? पर किस किस को संभालेंगी, मीनाक्षी, दिशा और अब ये डिंपल? ऐसे तू देवपुर जा रही है बस। हाँ लेकिन आप ये, कोई बहस नहीं करेगा, जो बहस करेगा वो सीधा घर से बाहर जाएगा ऐसे ऐसे करके। अच्छा मम्मी, मुझे वो एल्बम दिखाई है ना शादी का, मैंने वो सारे फोटोज ठीक तरह से देखे ही नहीं। ए लाई, कहाँ जा रही हो? शादी का एल्बम लाने? वहाँ तुम्हें एल्बम नहीं मिलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि किसी ने एल्बम रखने की जगह बदल दी है। नरसी काका क्या कह रहे हैं आप, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझाता हूँ, मैंने पानी भरने के लिए बाल्टी कुएं में डाली तो पानी के साथ साथ ये देखो उसके साथ साथ नेगेटिव भी। लो बोलो, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।